दोस्तों दिस इज अ क्रेजी मशीन, मतलब अभी तक हमारे पास इतने सारे लैपटॉप्स हमने टेस्ट किए हुए इसके जैसा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लैपटॉप इसके पास भी नहीं आता है, वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज एवरीथिंग, मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी सब कुछ देखिए, और प्राइस भी दिस इज प्रॉब्ली 3 times हायर देन एनीथिंग यू विल एवर सी। इसके ऊपर प्राइस देखिए आप राइट हियर 7,19,900, जी हाँ 7,20,000 के करीब इसकी प्राइस आती है। ये है इस साल का MacBook Pro 16-inch M3 चिपसेट के साथ Max variant and maxed out specifications के साथ। Crazy जो power ये देता है, it is unbelievable। Literally मेरे हिसाब से जो हम सोच रहे थे ना, मेरे सोच के भी आगे की जो power है वो इसके अंदर है। आपको पता चलेगा, ये पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, you will come to know why I am going crazy for this laptop। Yes, और एक बात फिर से कहता हूँ कि ये आपके लिए नहीं है, शायद मेरे लिए भी नहीं है, 5% 4% niche audience के लिए जो इसकी power इस्तेमाल करेंगे। Everyone else दोस्तों, you will not even be able to use the power it offers। Alright, let's open the box। बहुत बात कर लिया। Alright। It is on the heavier side, obviously pro है दोस्तों। You have USB Type C to MagSafe connector, जी हाँ। Then बड़ी सी brick है दोस्तों, शायद 140 watt की है, but this is 140 watt USB Type C charger, and then you have the documentation and stickers। Yes. वैसे ये जो कलर है ना, ये स्पेस ब्लैक कलर है, पहली बार आया हुआ है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। Let's keep the box aside, देखते हैं इसके पास पेपर फर्स्ट। ओके, स्पेस ब्लैक मुझे और ज्यादा डार्क लगा था, बट इट इज काइंड ऑफ डार्क ग्रे। एंड वजन 2.2 kgs, डेफिनेटली 2129 grams, जी हाँ 2.1-2.2 kgs के बीच में है। इट इज ऑन द हेवियर साइड एंड इट इज बिग, लेकिन उस हिसाब से दोस्तों पतला लगता है। नीचे की तरफ कुछ नहीं है, वेंट्स किधर है? हाँ, राइट हियर साइड में दोस्तों, यू कैन सी द एयर वेंट हियर ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, एंड लैपटॉप ओपन करने के बाद भी आता है, बट फ्लैट है सब जगह से, साइड ऊपर सब जगह पे इट इज फ्लैट। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5mm जैक है, ये जेन 4 USB टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, एंड देन मैगसेफ कनेक्टर के लिए है। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव गॉट अ फुल HDMI, अनदर थंडरबोल्ट पोर्ट, एंड SD कार्ड रीडर भी आता है इसके अंदर। सो नाइस, लेट्स ओपन दिस मीन मशीन। राइट, नॉच है दोस्तों इधर, ये देखिए, देयर इज अ नॉच, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, एंड दिस इज अ 16.2 inches डिस्प्ले। अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं, प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में डिफरेंस नहीं है, इट इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन डिस्प्ले जो है वो ज्यादा ब्राइट हो गया है। जी हाँ, पहले 500 nits था, अब 600 nits है HDR के ऊपर। HDR पे आपको सस्टेन्ड 1000 nits ब्राइटनेस मिलता है, एंड पीक ब्राइटनेस इज 1600 nits ऑन अ लैपटॉप, यू विल नॉट हियर दैट। वैसे जो डिस्प्ले है, दैट इज अ मिनी LED डिस्प्ले। अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं, maxed out specs, 128GB RAM है, M3 Max chipset, that's the most powerful, और power के बारे में बताने वाला हूँ, benchmarks भी दिखाने वाला हूँ, but क्या क्या कर सकता है, you will go crazy with it, seriously, and 8 TB स्टोरेज, दिस इज द मैक्स आउट वेरियंट, और इसीलिए 7,20,000 से है। वैसे इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों, दैट स्टार्ट फ्रॉम 36 GB, और ये जो है ये 128 GB हाइएस्ट है, और इसकी प्राइस भी कुछ 3.5 lakh से स्टार्ट होती है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 7,20,000 जो हमारे पास है। वैसे बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो एप्पल टीवी आप 22 hours तक देख सकते हो, जी हाँ, अगर कंटिन्यूसली वीडियो प्लेबैक किया तो। वैसे जनरली आप जो भी काम करोगे, थोड़ा गेमिंग करोगे, थोड़ा एडिटिंग करोगे, बाकी सब चीजें करोगे, देन इट विल गिव यू अबाउट 10-11 hours इजी। वेब सर्फिंग अगर करते हो कंटिन्यूअसली 15 घंटे वो कहते हैं एप्पल, बट हाँ 10-11 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेजिन सच अ पावरफुल लैपटॉप, आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो, हैवी चीजें कर रहे हो, फिर भी 10-11-12 घंटे तक बैटरी लाइफ जाती है, दैट इज क्रेजी। सुबह आप चार्ज करके रखिए, होल डे यू डू एनीथिंग विद इट, बैटरी नहीं जाएगी। ऑलराइट, वैसे आर्किटेक्चर के M3 Max बना किस चीज से, 16 cores आते हैं, 16 cores आते हैं, उसमें से 12 जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंसी कोर्स है। सोचिए 40 core GPU आता है, 40 core, हम ऑक्टा कोर वगैरह स्मार्टफोन्स में कहते हैं, और आजकल इतने पावरफुल हो गए, ये सोचिए आप, थिंक अबाउट इट। और हाँ, 400 GBPS मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है आपको, आई मीन इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी द स्पेक्स। अब ये तो हो गए आर्किटेक्चर थियोरेटिकल, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो कैसे, मैं आई जस्ट गिव यू, हमने बहुत सारे टेस्ट किए इसके ऊपर, बहुत सारे बेंचमार्क भी टेस्ट किए, और सबके स्कोर्स भी मैं बताने वाला हूँ। हिंट देता हूँ दोस्तों, हमने शैडो ऑफ द टूम रेडर ये गेम खेला, एंड फुल HD पे हाई सेटिंग्स पे हमने
खेला दोस्तों 128 FPS गेम प्ले मिला एंड स्मूथ दैट प्रो मोशन 120 हर्ट्ज क्या चीज है। गेमिंग करते समय ही नहीं दोस्तों, जब आप नॉर्मल चीजें भी कर रहे हो यू कैन फील द डिफरेंस, इतना स्मूथनेस मुझे नहीं मिला है। अगर आप हाईएस्ट सेटिंग पे भी खेलते हो फुल HD में तो 100 FPS के ऊपर मिलता है। और याद रखिए ये जो स्क्रीन है इट इज जस्ट अंडर 4K स्क्रीन, हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे अगर आप खेलते हो 45 FPS गेम प्ले मिलता है। सोचिए नियरली 4K 45 FPS, आई मीन दैट इज क्रेजी, आई डोंट थिंक एनी अदर लैपटॉप इसके पास भी आ सकता है। वैसे आपको ये बोल दूं कि रे ट्रेसिंग अभी सपोर्ट करता है, हार्डवेयर एनेबल्ड रे ट्रेसिंग, वैसे गेम्स वगैरह नहीं है वो नहीं हम खेल पाएंगे, आई मीन वी वांटेड टू डू दैट लेकिन अभी गेम्स नहीं है, बट हार्डवेयर एनेबल्ड रे ट्रेसिंग है, साथ में मैश शेडिंग भी आता है। अब जब गेम्स आएंगे तो हम टेस्ट करेंगे खेलेंगे, बट या इट सपोर्ट्स, हार्डवेयर सपोर्ट्स। वैसे दोस्तों बेंचमार्क्स भी हमने रन किए, ब्लेंडर व्हिच इज वन ऑफ द पॉपुलर बेंचमार्क्स, वो हमने iMac जो हमारे पास आया हुआ है उसमें बेस वेरिएंट है M3 का ही, व्हिच इज अ वेरी पावरफुल वन। अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूं M3 Max को, एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा स्कोर भी आए हुए एंड 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल भी है एंड यू कैन फील दैट। Geekbench जो स्मार्टफोन्स के लिए भी हम रन करते हैं, 7000 के ऊपर अगर मल्टीकोर का स्कोर आया तो हम कहते हैं वाओ। इसका पता है कितना, नियरली 20,000 के ऊपर मल्टीकोर स्कोर आता है दोस्तों M3 Max का। अगर मैं iMac का हमने जो टेस्ट किया M3 उसके ऊपर कुछ 11,000-12,000 आया, बट nearly more than 20,000, wow, I mean it's setting the benchmarks, that's for sure. All right, multimedia, oh what a machine for that. जी हाँ, जबरदस्त डिस्प्ले है, साथ में ऑडियो के लिए 6 स्पीकर सेटअप आता है, फोर्स कैंसलिंग वूफर्स हैं इसके अंदर एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल। और हाँ, नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह HDR पे आप आराम से देख पाओगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, बट उसके लिए 7.5 लाख रुपए खर्चा करना, नॉट श्योर, माय गॉड दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, मैं इतना कहता हूं। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ब्लूटूथ 5.3 आता है, वाईफाई 6 ई है, सरप्राइजिंगली वाईफाई 7 का सपोर्ट नहीं है, आई एम नॉट श्योर। वैसे टच ID भी आता है, सो फॉर सिक्योरिटी दैट इज देयर। और अब दोस्तों एप्पल गेम मोड लेके आ गया, ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे ये गेमिंग मशीन की तरफ जा रहे हैं। पहले इट वॉज ऑल अबाउट एडिटिंग, हैवी चीजें करना, हैवी स्टफ करना, बट नाउ धीरे धीरे ये रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आ रहा है, गेम मोड आ रहा है, ये सब चीजों की वजह से ऐसे लग रहा है कि दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन गेमिंग। हाँ, एक लो लेटेंसी मोड भी आता है। और ये गेम मोड जो है ना, ऐसे कि आप PS5 का कंट्रोलर वगैरह अगर कनेक्ट करते हो तो लो लेटेंसी मोड में ऑटोमेटिकली चला जाता है, जो वो डिले है वो कम हो जाता है। सो या दैट इज देयर, दैट इज देयर। लेकिन दोस्तों अभी तक जब भी गेमिंग के बारे में हम बात करते हैं तो मैक के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट आफ्टर लुकिंग एट दिस मशीन आप क्या लोगे, whether you'll go for this or you'll stick to Windows machine, जरूर नीचे कमेंट में बताइए, आई रियली वांट टू नो दैट। जी हां, वो वाटर ड्रॉप तो नहीं कहूंगा, बोथ नॉच के अंदर आपको 1080p वेबकैम मिलता है, फेस टाइम कैमरा मिलता है, सो दैट इज देयर। और हाँ दोस्तों, इस मशीन के साथ में सिर्फ एक स्क्रीन का क्या फायदा, बहुत सारी चीजें आप पावरफुल चीजें करोगे तो डिस्प्लेस चाहिए। विद दिस यू कैन कनेक्ट 4 एक्सटर्नल डिस्प्लेस, जी हाँ वो भी 6K, अगर USB Type-C पे आप कनेक्ट करते हो तो 3 डिस्प्ले जो है वो आपको 6K एट 60 FPS मिलेंगे। अगर HDMI को कनेक्ट करते हो तो जो डिस्प्ले है दैट विल सपोर्ट 144 हर्ट्ज एट 4K, सोचिए व्हाट अ मशीन, व्हाट अ मशीन। लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बताया ना दोस्तों, इट इज एग्जैक्टली द सेम, दिस मशीन, दिस पावरफुल पावरफुल मशीन नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है, क्योंकि एक तो प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट उस प्राइस के लिए वो पावर भी बहुत ज्यादा आती है। जी हाँ, इट हैज गॉट अ बिग डिस्प्ले एंड आई टेल यू व्हाट, कि जो भी इसे इस्तेमाल करेगा, यू नो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, CT स्कैन वगैरह आपको करना है, या फिर आर्किटेक्ट्स वगैरह जिनको यू नो इमीडिएटली रेंडरिंग वगैरह, रियल टाइम रेंडरिंग वगैरह करना है, जहां पे बहुत ज्यादा पावर लगती है, उनके लिए डेफिनेटली ये मशीन है। और जो ये लेंगे डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी फॉर श्योर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना ही भूल गया दोस्तों, और ये सब चीजें जो परफॉर्मेंस देता है बैटरी पे देता है, यू डोंट हैव टू कनेक्ट, जी हाँ पावर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑन बैटरी इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, टू गुड प्राइस, टू गुड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैक इट एंड स्टे सेफ।